विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर शुक्रवार को क्रमांक मैदान में दिव्यांगजनों के लिए गोला फेंक और ट्राईसाइकिल रेस का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा को दिखाया। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर शुक्रवार को क्रमांक 2 स्कूल में दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के लिए ट्राईसाइकिल दौड़, गोला फेंक सहित विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें ट्राईसाइकिल 100 मीटर दौड़ में पहले नंबर पर सत्यनारायण, दूसरे नंबर पर ईश्वर बागड़ी, तीसरे पर सोनू बैरागी रहे। वहीं 50 मीटर दौड़ में पहले नंबर पर अशरफ, दूसरे पर दीपक भट्ट, दृष्टिबाधित की दौड़ में पहले पर राजेश, दूसरे पर सुरेंद्र और तीसरे पर नवीन आए। अस्थिबाधित गोला फेंक में पहले नंबर पर दशरथ, दूसरे नंबर पर नंद किशोर और तीसरे पर मुकेश रहे। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उत्साह के साथ प्रतियोगिताओं को खेला। इस अवसर पर दिव्यांगजनों में विजेता रहे दिव्यांगजनों को पुरस्कार भी दिए गए। जो हमारा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है और सामाजिक न्याय विभाग के और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से विश्व विकलांग दिवस पर जो हमारे दिव्यांग साथी हैं उनके प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर गोला फेंक प्रतियोगिता और रेसिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है, जिससे कि उनका एक प्रोत्साहन उन्हें मिले और हम लोग भी उनके लिए कुछ कर पाएँ। उसी एक्टिविटी के लिए आज एक प्रेरणा के लिए हमने एक दिवस आयोजित किया गया है और इन्हीं एक्टिविटी के माध्यम से हम उन लोगों से चर्चा भी करते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, जैसे कि UDID कार्ड बनाना है या मेडिकल बनवाना है या बस पास फ्री करवाना है। तो एक तरह से इनका प्रेरणावर्धन भी रहता है और हम लोग उनको समाज की मुख्य धारा में ला पाएँ और वो भी एक सामान्य हमारे जैसे जो हैं उनके जैसा जीवन जी सके, उसके लिए हम उनको जो बेहतर सुविधाएँ दे सकते हैं वो देने का हम लोग प्रयास करते हैं। और उसी तत्वाधान में आज यहाँ पर उत्कृष्ट क्रमांक 2 में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने अपने भाग भी लिया है और हम उनको प्रोत्साहन स्वरूप उनको पुरस्कार भी हम लोग उन्हें देंगे इस गतिविधि के लिए आज यहाँ पर ये कार्यक्रम। अपना भोजन का पैकेट प्राप्त करें तो दिव्यांग संगठन जो बने हुए हैं उनके यहाँ पर पदाधिकारी और उनके सदस्यगण और अन्य दिव्यांगजन उपस्थित हैं। रेड क्रॉस और DDRC और जनपद पंचायत के माध्यम से यहाँ पर दिव्यांगजनों के उत्साहवर्धन के लिए खेलकूद का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर उनका अभी गोला फेंक का हुआ है, उनके बाद उसके देश का हुआ है और अभी JLS का आयोजन किया जा रहा है। उनके हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और आज हम सभी अधिकारी मिलकर और विभाग वाले मिलकर दिव्यांगजनों के साथ अपना समय देकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं ताकि उनका हौसला अफजाई होता है।